जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूर्ण होने पर स्वामी अवधेशानंद गिरी के हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के पहले दिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं कई अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज की नई पुस्तकों का विमोचन भी किया। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ, तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के, क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है, बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है, और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए मैं स्कूलों में उसको